आहार में आप देखेंगे कि शाहीन और इलियास आपस में घुटन घुटा होने ही वाले होते हैं कि अरूज इलियास को रोकता है और फिर शाहीन से कहता है, देखो कलेश बे के बेटे, हम समुद्रों में अपने वालिद से मीरास में मिलने वाले जहाज पर सफर नहीं करते, अपने नाम और शोहरत से करते हैं। जहाज के मालिक बनने से पहले दुश्मनों का मालिक बनना हमारे लिए एहसास की बात है। इस पर शाहीन कहता है, तो ठीक है, फिर फिलहाल दुख मनाइए, मगर ये मत भूलिए कि माफी का वक्त गुजर गया है। अपनी जेबों में ओंतनिया के सिक्के लेकर फिरने वालों को ये समंदर कबूल नहीं करता बाबा अरूज। आप लोगों के दोस्त भी वादे हैं और दुश्मन भी। इस पर अरूज शाहीन से कहता है, ओंतनिया के सिक्के तुम अपने पास रखो, समंदर में सिर्फ मैं और मेरे हकीकी भाई रहेंगे। हमने अपने पंजे गाड़ने के लिए हमारे सर पर मंडलाने वाले परिंदे ये जान लें कि पहले इनके ही सर गिरेंगे। चलो बिन कलश, अपनी शाहीन जैसी ताकत दिखाओ। ये कहकर अरूज इलियास को लेकर वहाँ से चल देता है और फिर शाहीन कहता है, तो चलो अरूज बाबा, देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ डिस्पिनिया अपने घर में मौजूद है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। डिस्पिनिया शुक्र अदा करते हुए दरवाजा खोलती है कि बाबा अरूज वापस आ गया और दरवाजे पर बाबा अरूज और इलियास मौजूद होते हैं, जिसे देखकर डिस्पिनिया फौरन से खुशामदीद अरूज और इलियास कहती है। फिर दोनों शुक्रिया अदा करते हुए घर में दाखिल होते हैं। डिस्पिनिया दोनों के चेहरे मुरझाए हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ है, चेहरों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं। इस पर अरूज कहता है, नहीं डिस्पिनिया, कुछ नहीं हुआ, शायद कुछ खाया नहीं इसी वजह से। फिर डिस्पिनिया फौरन से कहती है, अभी दस्तरखान लगाती हूँ। इस पर अरूज कहता है, ठहरो जरा, तुम कमजोर लग रही हो। इस पर डिस्पिनिया कहती है, ठीक हूँ, मालूम तो है आपको। फिर इलियास की जानिब देखने लगती है तो अरूज कहता है, इलियास को मालूम है, सफर से वापसी पर मैंने बताया था। इस पर इलियास मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी एक बार मेरा भतीजा सही सलामत आ जाए चलना शुरू कर दे, जब चलना शुरू करेगा उस दिन से तलवारबाजी भी सीखना शुरू करेगा इंशाल्लाह। इस पर अरूज कहता है, बेटा होगा ये कैसे पता है, हो सकता है अपनी वालदा जैसी प्यारी बेटी हो, हाँ अपनी वालदा की तरह ही खूबसूरत। फिर डिस्पिनिया कहती है, खुशामदीद अरूज। और फिर डिस्पिनिया और अरूज एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसहाक आगा का दुख भी इलियास और अरूज के चेहरों पर वाजे होता है। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब मैदली दिखाया जाता है, जहां पर इसहाक आगा अपनी खातून और बच्चों की कब्रों पर फातिहा खानी कर रहे होते हैं। इसके बाद कब्रिस्तान से चल देते हैं। वहीं पर बाजार में एक जानिब योर्गो डरा सहमा बाजार से गुजर रहा होता है। योर्गो का मुहाफिज उसे तसल्ली देता है कि हमारे होते हुए आपको कोई भी छू नहीं सकता जनाब, फिक्र मत करें। इस पर योर्गो कहता है, दुकान बंद करके घर जाने तक मेरे साथ ही रहो, यही काफी है और फिर मैं चला जाऊंगा। हर दिन किसी डरावने ख्वाब की तरह गुजारने का कोई मेरा इरादा भी नहीं। वहीं पर दूसरी जानिब इसहाक आगा योर्गो का पीछा करते हुए नजर आते हैं। योर्गो अपने मुआवजों से कहता है, यहाँ से जाने के बाद इसहाक मुझे कभी तलाश करने की कोशिश भी नहीं करेगा और अगर उसने कोशिश भी की तो वो मुझ तक नहीं पहुँच सकेगा। वहीं इसहाक आगा तेजी से योर्गो का पीछा करते हुए उस तक आन पहुँचते हैं और एक जानिब रुक कर ऊंची आवाज में योर्गो को मुखातिब करते हैं। योर्गो इसहाक आगा की आवाज सुनकर घबरा जाता है और फिर इसहाक आगा योर्गो से कहते हैं, कातिल। ये देखकर योर्गो के मुहाफिज अपनी तलवारें निकालने ही लगते हैं तो वहीं पर मैसी के बाजार के दुकानदार भी अपने अपने हथियार उठाकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर इसहाक आगा लोगों से कहते हैं, आप लोग दखल अंदाजी मत करें। इस पर लोग पीछे हट जाते हैं तो योर्गो इसहाक आगा से कहता है, तुम गलत समझ रहे हो इसहाक, तुमसे जिस किसी ने भी जो भी कहा है सब कुछ गलत है। इस पर इसहाक आगा कहते हैं, गलती तो मुझसे हुई है तुम्हें इंसान समझने की। ये सब कुछ देखकर योर्गो अपने मुहाफिज से कहता है, खड़े क्या देख रहे हो, आगे बढ़ो। इस पर मुहाफिज तलवारें निकालकर इसहाक आगा पर हमला आवर होते हैं, मगर इसहाक आगा इनका मुकाबला करते हुए मारपीट शुरू कर देते हैं। मौका पाकर योर्गो वहां से फरार होने लगता है और फिर इसी दौरान एक दीवार के पीछे छुपकर योर्गो अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है, मगर इसहाक आगा योर्गो को पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और उसे मुखातिब करके कहते हैं, तुम्हारे पास छुपने या पनाह लेने के लिए कोई जगह नहीं है योर्गो, कब्र में गए तो मट्टी तक कबूल नहीं करेगी। चलो, इसी के साथ इसहाक आगा योर्गो को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ सुलेमान उस्ताद को खजर और निकू तमाम सूरत हाल बता देते हैं तो सुलेमान उस्ताद सब कुछ सुनने के बाद कहते हैं, योर्गो जैसा कि मैंने कहा कि वो खानदानी तौर पर हसद करता है, मगर क्या ऐसी जुरत कर सकता है,
इस पर नीकू कहता है शायद आप उसकी काट देते हैं, मुंह खुलवाएंगे इसका, फिर पता चलेगा इसकी जुर्रत के बारे में। इस पर सुलेमान उस्ताद कहते हैं डाकुओं के जेरे साया रहकर खून बहाने वाले में और डाकुओं में कोई फर्क नहीं। नीकू, इस पर नीकू कहता है सिर्फ इस पोसेडन नामी शख्स की बात नहीं, कोई और मामला भी है सुलेमान उस्ताद। इस पर सुलेमान उस्ताद खजर की जानिब तकने लगते हैं तो खजर बताता है कि उस्ताद इसहाक आगा के योर्गो के बारे में बताने के बाद मैंने अतराफ का जायजा लिया, योर्गो कहाँ है और आजकल क्या कर रहा है, मगर योर्गो मंजर से गायब था। इस पर सुलेमान आगा पूछते हैं क्या मतलब है गायब था या गायब है। इस पर खजर बताता है पड़ोसियों से हमारे आने के बारे में सुना, फिर किसी बहाने से दुकान से निकल गया, तब से किसी ने भी उसे नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। इस पर सुलेमान उस्ताद कहते हैं ये तो बुरी सूरत हाल है, इसहाक को इस बारे में पता है। इस पर नीकू कहता है नहीं, फिर हजर कहता है इसहाक आगा को कुछ नहीं बताया ताकि वो इस अजाब को झेलते हुए कोई और मुसीबत सर ना ले बैठे। इस पर सुलेमान उस्ताद कहते हैं सही किया है हजर। इस पर हजर कहता है इतने लोगों के आसपास मौजूद होते हुए हमारे दुरुस्त रास्ते पर होने का क्या फायदा उस्ताद, मैं यही सोच रहा हूँ मुसलसल, और अगर किसी जगह इसहाक आगा और योर्गो सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। उधर इसहाक आगा योर्गो को खींचते हुए कब्र सामने ले आते हैं और उसे मट्टी की जानिब फेंकते हुए कहते हैं इस मट्टी को देखो, मेरे मासूम बच्चे और मेरी फरिश्ता सिर्फ खातून इस मट्टी के नीचे सो रही है। इस पर योर्गो कहता है अपने खानदान के कत्ल की जिम्मेदारी मुझ पर कैसे डाल सकते हो इसहाक, तुम्हें लगता है मेरा दिल पत्थर का है। इस पर इसहाक आहा योर्गो को गिरबान से पकड़कर पूछते हैं तुम्हारे पास दिल है, अगर दिल होता तो वाजे तौर पर दुश्मनी करनी थी, ये बहादुरों जैसा काम करते, मगर पोस्टेडेन जैसे कातिलों के पीछे छुपकर गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। इस पर योर्गो कहता है पोस्टेडेन इन जलीलों से मेरा क्या लेना देना, और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब हकीम खाना दिखाया जाता है जहाँ पर एक आंख से अंधा आदमी खातून जादूगरनी से पूछता है इसे किसी ने देखा तो नहीं। इस पर खातून कहती है नहीं, मच्छरों के लाते ही हम तक खबर पहुंचा दी गई थी। इस पर वो आदमी कहता है इस शख्स का अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। इस पर खातून पूछती है त्यो यहाँ लेटा हुआ शख्स वाकई वही है। इस पर त्यो कहता है इसे खड़ा करेंगे हमारी ताकत में इजाफा हो जाएगा, जो हो सकता है सब कर डालो। इस पर खातून कहती है अब कीमियाई मादों से ज्यादा टिप से ज्यादा जादू की जरूरत है। इस पर क्यों कहता है चाहो तो शैतान को साथ मिलाओ मगर इसे ठीक कर दो। यहीं पर सीन चेंज होता है और दूसरी जानिब इसहाक आगा योर्गो से कह रहे होते हैं कि सिर्फ अपनी बेटी अरूज के साथ भाग जाने की वजह से ये कीना, इस पर गुस्से की वजह है। इस पर योर्गो कहता है मेरी जिद सिर्फ अरूज से नहीं तुम सकते है, मेरी तकदीर से, हिस्सा चुराने वाले तुम्हारे बाप से। इस पर इसहाक आगा कहते हैं क्या कह रहे हो तुम। इस पर योर्गो कहता है तुम्हारे वालिद सिपाही याकूब आगा ने पहले मेरे साथ मैदली शहर छीना और फिर मेरी बेटी को। इस पर इसहाक आगा योर्गो से कहते हैं मेरी बात सुनो, तुम समझ रहे हो कि बच जाओगे मगर बच नहीं पाओगे। इस पर योर्गो भी गुस्से में इसहाक आगा से अपना गिरबान छुड़वाते हुए कहता है खामोश तुम मेरी बात सुनो, तुम लोगों की वालदा खतीजा जिसका पुराना नाम कतरीना था मेरी मोहब्बत थी जानते हो, मगर इसके वालिद का ख्याल था कि मैदली के फाते करने वाले शख्स को अपनी बेटी देना एक रूमी लड़के को देने से बहुत बेहतर है। इस पर इसहाक आगा कहते हैं ठीक तो मेरे नाना समझ गए थे लिहाजा अपनी बेटी उन्होंने मेरे वालिद को दी, तुम जैसे जलील को नहीं। इस पर योर्गो कहता है तुम लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मैंने भी तुम लोगों से छीन लिया, जितना हो सकता था इसकी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस पर इसहाक आगा कहते हैं तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा, ये कहकर इसहाक आगा योर्गो का गला दबाने लगते हैं, मगर योर्गो जमीन से पत्थर उठाकर इसहाक आगा के सर पर दे मारता है और वहां से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ रूमी शख्स त्यो के पास आता है और उसे सोने के सिक्के दिखाता है। त्यो वो देखकर उस आदमी से कहता है कि यानी कि अबू मोहम्मद नामी ये अरब शख्स एक कीमती है। इस पर रूमी शख्स कहता है बहुत ज्यादा कीमती है, हवाले करते हुए इससे कहीं ज्यादा गुना वसूल करोगे। इस पर त्यो कहता है इस तरह के सोने के लिए तो मैं सुल्तान को भी अगवा कर लूं। आप लोगों को भेजे जाने वाले शख्स इसी तरह से दरिया दिली का मुजाहरा करते रहे बस,
और यहीं पर इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।